ज्ञापन। नर्सिंग छात्र संगठन प्रतापगढ़ ने जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई व प्रतिपूरा सीएससी पर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर की नियुक्ति की मांग की है। इन्होंने ज्ञापन की एक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को भी भेजी है। नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष पवन मीणा ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में सीएससी स्वीकृत है, परंतु नियमों के आधार पर यहाँ सीएससी स्टाफ नहीं है और न ही कोई डॉक्टर पद स्थापित है, जबकि नियमों के अनुसार 24 घंटे तक सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, परंतु यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों की नियुक्ति और बंगाली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में नर्सिंग छात्र संगठन के माध्यम से नर्सिंग की समस्याओं से अवगत कराते हुए इन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक के नहीं होने से मरीजों को अन्यत्र पिपलपुर और प्रतापगढ़ इलाज हेतु आना जाना पड़ता है, जिसमें समय और धन की हानि होती है तथा मरीजों को दर्द व पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वह ग्रामीण नियमित सेवा नहीं होने से बंगाली डॉक्टरों से इलाज कराते हैं जो इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है तथा इनको मुँह मांगी रकम देनी पड़ती है और आर्थिक व्यय भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में जिले के सभी पीएचसी केंद्रों पर पूरा स्टाफ लगाया जाए और नियमित सेवाएं ली जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके तथा पृथ्वीपुरा में जो पीएचसी है वह पीपलकोट में पीपीपी मोड पर नहीं जानी चाहिए। उक्त पीएचसी पर नियमानुसार पदों पर नियुक्ति की मांग इन्होंने की है। इन्होंने ये बताया कि जिले में बंगाली झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, लोग इनके झांसे में आकर अपने शरीर की हानि पहुँचाते हैं और ये बंगाली डॉक्टर इनसे हजारों रुपये की राशि वसूल रहे हैं जो इनकी मेहनत की कमाई है। इसके खिलाफ कोई अभियान चलाया जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाकर आमजन को राहत प्रदान की जाए। इन्होंने अपने मांगे नहीं माने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तेईस सितंबर 2018 को हमने बंगाली एवं जलाशा डॉक्टर के खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब को हमारे पीड़ा को समझते हुए और ज्ञापन के देखते हुए बंगाली के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक बंगाली के कोई ना कोई कार्रवाई हुई है ना कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जिला बंगाली से मुक्त किया जाए बहुत जल्द जल्द, और हमारे ये बंगाली डॉक्टर हमारे समाज के साथ में इलाज करके जाने खिलवा जा रहा है और सर हाई डोज दिया जाता है। इसलिए हम प्रशासन ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कार्रवाई किया जाए, अभी आदेश तो हो गया अभी तो कोई कार्रवाई स्टार्ट हुई नहीं है। इस अवसर पर नर्सिंग छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष पवन मीणा ने बताया कि नर्सिंग छात्र संगठन की पीपल क्लब ब्लॉक की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई है।